Okay, hi guys, so welcome all of you on my channel once again. So this is the third part of our GK for JMI MBA entrance. Jisne second part or first part nahi dekha hai, go on my channel and check those videos also. So ek series chal raha hai aapke JMI, GK, AMU, GK ke liye for the upcoming MBA entrance. So all those videos are equally important. Just go and check all those videos, whatever videos I have uploaded, whichever videos are there, just go and check all those videos. Sare videos aapke liye important hai jo bhi JMI MBA ka exam is baar de rahe hain. So is video mein hum baat karenge aapke language aur literature ke, jo bhi language aur literature se jo kuch questions aate hain aapke exams mein, usse related hum baat karenge is videos mein. Before going to that video, a important notice for all of you, jo bhi व्हाट्सएप कोर्स के लिए मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ सर, बहुत सारे क्वेरीज आए, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए फॉर लोअरिंग द फ़ी. सो उसको देखते हुए, जैसे अभी आपको पता है कि फ़ी है विच इज़ 2500. सो टिल 11th ऑफ अप्रैल अगर आप कोर्स लेते हो तो यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 1000 एंड नाउ यू कैन बाय द कोर्स फॉर रुपीज़ 1500. अगर आप इनरोल कराते हो 11 अप्रैल से पहले, सो यू विल गेट द होल कोर्स फॉर रुपीज़ 1500. ओके, सो अगर जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8876107736, या फिर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, सो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर. कीप वन थिंग इन माइंड दैट दिस इज़ ओनली फॉर MBA एंट्रेंसेस. स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, प्लीज़ डोंट डू डेट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनी अदर कोर्सेज, ओनली फॉर MBA एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन JMI दिस ईयर, ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर एंड दे कैन आस्क वट एवर दे वॉन्ट, दे कैन क्लेरिफाई देयर डाउट्स, जो भी उनके डिटेल है रिगार्डिंग कोर्स और एंट्रेंस एनीथिंग, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल. सो कमिंग ऑन टूडेज टॉपिक, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है, इससे आपके क्वेश्चंस रहते हैं JMI या फिर MBA या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन आज हम देखेंगे रिगार्डिंग JMI एंड MBA की लैंग्वेज और लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो प्लीज़ टेक अ पेन एंड नोटबुक एंड मेक नोट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो फर्स्ट कमिंग ऑन द लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, जिसको पहले को हम बोलते हैं इंडो आर्यन और इसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन भी. ठीक है, इंडो यूरोपियन. और दूसरा जो लैंग्वेज है वो है द्रविडियन, DRAVIDIAN, दैट इज़ द्रविडियन. सो लैंग्वेज को हम डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में. तो फर्स्ट ग्रुप इज योर इंडो आर्यन एंड इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन एंड द सेकेंड वन इज योर द्रविडियन. ठीक है, सो सेकेंड वन इज योर द्रविडियन. दो टाइप आपसे पूछेंगे लैंग्वेज को किसने सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, आप बता सकते हो दो, या फिर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से है जो सब ग्रुप्स हैं लैंग्वेज के, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप उसको टिक करोगे. ठीक है, अब दोनों को अगर हम सेपरेटली देखें, सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंडो आर्यन को, जिसको हम इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं. सो इंडो आर्यन में कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, इसमें होते हैं संस्कृत, पाली, प्रकृत, हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड पंजाबी. ठीक है, सो इंडो आर्यन में कौन कौन से लैंग्वेज हैं आपके, संस्कृत हो गए, पाली, प्रकृति, हिंदी, बंगाली एंड उर्दू. ठीक है, एंड पंजाबी ऑल्सो.
7 languages are there in the Indo-Aryan, that are Sanskrit, Pali, Prakrit, Hindi, Bengali, Urdu and Punjabi. Now coming on your next one, that is your Dravidian language. Dravidian language mein mostly aapke South India ke language hote hain, that is your Tamil, Telugu, Kannad, Malayali. These are the languages that are in Dravidian language. So mostly जो South region language हैं वो आपके आते हैं इसमें Dravidian language में, ठीक है. इसके बाद हम आते हैं कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है. सो 1950 में इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है. इसके बाद प्रेजेंटली इंडिया के 22 लैंग्वेज जो हैं वो ऑफिशियल हैं, ठीक है. 22 लैंग्वेज है ऑफिशियल. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रेजेंटली ऑफिशियल फॉर इन इंडिया? देयर आर 22 लैंग्वेजेस. ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडिया में है वो 22 हैं, बट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इज ओनली हिंदी एंड इंग्लिश. जो आपके पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन जो आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 22 हैं. 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन है. किसी को पता हो तो आप बताओ. इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई भी नहीं है. इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. इंडिया के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 2 पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है. पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस जिसको क्लासिफाई किया है इंडियन गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज में, ठीक है. तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन से हैं? इसमें आपका सबसे पहले आता है संस्कृत, उसके बाद आपका आता है तमिल, देन योर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया. उड़िया इज़ द लेटेस्ट वन टू ज्वाइन इन दिस ग्रुप इन 2014. सबसे जो लेटेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज में लेटेस्ट ऐड किया गया है, तो वो है आपका उड़िया इन 2014. सो दिस वर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर द लैंग्वेज. नाउ कमिंग ऑन द लिटरेचर, इंडिया में बहुत सारे पास्ट में ऐसे ऑथर हुए हैं जिन्होंने बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है. जैसे कि आपका कालिदासा ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, जैसे अशुघोष हो गए, बाणभट्ट हो गए, ये लोग, इन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं वो आज भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं. सो ऐसे ही कुछ बुक्स और ऑथर को हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में. सो फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखते मत रहो, आप इसका नोट्स बनाते जाओ, ठीक है. सो कमिंग ऑन द लिटरेचर पार्ट, ठीक है, इसका हम देखेंगे ऑथर और उनके फेमस बुक्स के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ना का सवाल ही नहीं है, ठीक है. सो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू अगेन, कीप मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स. नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट ऑथर, दैट इज अश्वघोष. इन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं, किताबें इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं? इन्होंने लिखी है बुद्ध चैत्र, बुद्ध चैत्र, ठीक है. अश्वघोष ने लिखी है बुक आपके बुद्ध चैत्र. इसके बाद बहुत ही फेमस नाम आता है जो आप सबने सुने होगा, बाणभट्टा. बाणभट्टा ने कौन कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है कादम्बरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कादम्बरी लिखी है इन्होंने. हर्ष चैत्र लिखी है, हर्ष चैत्र, ठीक है. ये जो बुक्स हैं इन्होंने, ये बाणभट्टा ने लिखी हैं. इसके बाद आते हैं चरक. चरक ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? चरक संहिता, चरक संहिता इन्होंने लिखी है, चरक ने लिखी है. अब लिस्ट थोड़ी लंबी होती है कालिदास के लिए,
आपको पता ही है इंडियन शेक्सपियर कहते हैं इनको। ये भी एक क्वेश्चन है कि किनको इंडियन शेक्सपियर कहते हैं। हम कालिदासा को इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। तो कालिदासा जो है, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? इनकी सबसे पहली बुक है रघुवंश, रघुवंश, कुमार, इसके बाद आपका आता है संभावन, संभावन, शकुंतलम, शकुंतलम, शकुंतलम के बाद मेघदूतम, उसके बाद आता है आपका विक्रम मोर्शियम, विक्रम मोर्शियम, विक्रम मोर्शियम, इसके बाद आता है आपका सीतु सहरमन, इसके बाद आपका आता है रितु सहरम, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कालिदास के सारे बुक्स को, जो है रघुवंश, कुमार, संभावम, शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम मोशियम, ऋतु सहारम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले राइटर पे, वो हैं सुश्रुता, सुश्रुता, सुश्रुता ने लिखी है सुश्रुता संहिता, सुश्रुत संहिता, ये इन्होंने लिखा है, ये लिखा है सुश्रुता ने। अगला आते हैं कंबन, कंबन किन्होंने लिखा है, कंबन लिखा है, कंबन ने लिखा है रामायण को ट्रांसलेट करके तमिल में, हु ट्रांसलेटेड रामायण इन तमिल, तो वो है कंबन। इन्होंने ट्रांसलेट किया है रामायण को तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले राइटर पे, जो है कल्हाना, बहुत फेमस है ये। इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे एक बुक, जिसको हम बोलते हैं राज तरंगिन, राज तरंगिन, किन्होंने लिखा है, कल्हाना ने लिखा है। इसके बाद आते हैं नागसेना, इन्होंने लिखा है मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पनिनी, हर जगह आपको ये नाम दिखने मिल जाता है। इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। क्यों ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो संस्कृत का ग्रामर है, सारा ग्रामर ग्रामर इसी में आपको देखने के लिए मिलता है। सो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुकिंग टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ इंडिया। सो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की, ये है आपके वाहरा मिहिरा, ठीक है, वारा मिहिरा। इन्होंने लिखा है बृहत संहिता, बृहत संहिता, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इसके बाद एक बहुत ही फेमस नाम आपका आता है सामने, दैट इज अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा, अकबर के ऊपर ये बुक थी, अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी को इन्होंने लिखा था। सो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। इसके बाद एक और नाम आता है, जो है आपका इब्ने बतूता, इब्ने बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? यह है रिहाला, ठीक है। इसके बाद नाम आता है अलबैरूनी, अलबैरूनी, अलबैरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बुक ऑफ इंडिया। ये इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी गई थी। इसके बाद नाम आता है मेगास्थेन्स का, मेगास्थेन्स, इन्होंने लिखी थी इंडिका, जो कि फर्स्ट बुक थी इंडिया पे लिखी हुई बाय एन फॉरेनर। लास्ट जो इस लिस्ट में एक नाम आता है कौटिल्या, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। सो आज हमने सारे इम्पोर्टेंट ऑथर और उनके बुक को कवर किया, प्लस हमने लैंग्वेज देखा,
So very important video for all the aspirants going for MBA entrance this year in 2019. And again, I'm telling you, if you want to crack this year and you are serious about your entrance or aap chahte ho admission lena is saal, to aap mujhe course ke regarding message kar sakte ho mere WhatsApp number pe. Mera WhatsApp number hai 8076107 3 sing. And if you want to avail the offer, agar aap ऑफ़र अवेल करना चाहते हो, डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो 11 अप्रैल से पहले आप एनरोल करा सकते हो, आप मुझसे कोर्स ख़रीद सकते हो. ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग.